दोस्तों, इंजीनियर्स या कारीगर में से जो भी निर्माण कार्य करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने काम को पुख्ता और सही करे। लेकिन कभी कभी निर्माण कार्य के दौरान लोगों का पाला कुछ ऐसे नक्चली और टोपीबाज कारीगरों से पड़ जाता है कि उनके काम को देखकर हर किसी की हंसी छूट जाती है। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको नमूने कारीगरों की कुछ ऐसी ही मजाकिया कारीगरी से। एक बात बिल्कुल सच है कि इंसान अपना घर कितना भी अच्छा क्यों ना बनवा ले, लेकिन अगर उसका कारीगर नकल करके पास हुआ होगा तब वो नए घर की भी लंका लगा सकता है, बिल्कुल इस घर की तरह ही, जो देखने में तो अभी हाल ही में बना हुआ लग रहा है, मगर जरा देखो जब बारिश आई तो इस घर का क्या हाल हुआ। यार सच में इस कारीगर ने तो घर में रहने वाले लोगों को घर से बाहर जाए बिना ही बारिश के मजे दिला दिए। वाह, इसे कहते हैं टैलेंट। कितने तेजस्वी लोग हैं यार इस दुनिया में, और इनके कारनामों की तो पूछो ही मत, गजब हवा हवाई के साथ काम करते हैं ये तो। क्या चटकनी लगाई है, सच में इसे देखे तो मुझे मिस्टर बीन की याद आ गई, क्योंकि ऐसे अजीब काम तो वही करते थे। जब दरवाजा अंदर की तरफ ही खोलता है तो यार दरवाजे में भी लॉक लगाना चाहिए था जिसमें कुंडी जा सके, लेकिन अगर सही से काम कर देंगे तो फिर ऐसे कामों को देख लोगों की हंसी कैसे आएगी। वाह, क्या हंसाने वाले समाज सेवा है। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मतलब यहाँ कोई मजाक चल रहा है। मान गए करो, ऐसी कारीगरी तो लाखों में एक ही बार देखने को मिलती है। ये टेढ़ी दीवारें, ये कमजोर से पिलर्स देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये चिल्ला चिल्ला कर हमसे कह रहे हो कि बेटा पढ़ लिख लो, वरना नकल के भरोसे अभी तुम जिस काम को देखकर हंस रहे हो वो एक दिन तुम खुद ही करोगे। लगता है इसकी बाथरूम के दरवाजे को लगाने वाला कारीगर कुछ ज्यादा ही पतला था। बवाल दरवाजा लगाया यार इसने तो, कम से कम दूसरे लोगों का ख्याल तो कर लेता, सिंगल पसली। अब यार कोई इस बाथरूम में कैसे घुसेगा, और मोटे लोगों को तो ख्याल ही छोड़ दो कि वो कभी इस बाथरूम में नहीं जा पाएंगे। यहाँ लोग निजी निर्माण कार्य को नहीं छोड़ते, तो फिर भाई साहब इस सड़क के बीच से निकली नहर के ऊपर जो पुलिया बनाई गई थी वो तो सरकारी इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है, तो ऐसे में घोटाला होना तो स्वाभाविक है। और जब भी निर्माण कार्यों में घोटाला होता है तब उसका यही परिणाम होता है जो इस वीडियो में दिख रही पुलिया का हुआ है। गजब खराब व्यवस्था है यार, पुलिया के नीचे से पानी जाना था, खम्बखत कारीगरों की वजह से ऊपर से उड़ जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आपके घर के तीन तरफ बाउंड्री वॉल ना हो पर सामने की तरफ बड़ा सा गेट लगा हो, तब क्या वो गेट आपके घर को सुरक्षा दे पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन लगता है कि इस घर के मालिक का यही मानना था, जिसके चलते इसने बाउंड्री वॉल के बिना ही अपने घर के सामने बड़ा सा दरवाजा फिट करा लिया। और सबसे बड़ी चोट तो तब आई होगी जब इसके टोपीबाज कारीगर ने इस चीज को नजरअंदाज करके गेट लगा भी डाला। इसे कहते हैं नहले पे दहला। बेतुकी साइंस फिक्शन मूवीज देखने का नतीजा यही होता है मेरे भाई। दाद देनी होगी इन सीढ़ियों को बनाने वाले कारीगर की, जो अपना काम करते करते एक ऐसी डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां कोई नहीं जा सकता। सीढ़ियों की शुरुआत तो सही थी, पर यार अचानक से ये सीढ़ियां उल्टी कैसे हो गई? ये तो ससुरा सीढ़ियों के नाम पर खेला हो गया। सच बोलूं इन सीढ़ियों पर चढ़ना संभव नहीं है, पर इन पर हंसना बिल्कुल संभव है। क्यों, सही कहा ना मैंने? जिस प्लम्बर ने भी सिंक्स में ये नल लगाए हैं वो एक अलग ही लेवल का पागल है। मतलब यार जब सिंक में लगे नल पर लोग हाथ धोने जाते हैं तब उसका पानी सिंक में तो आना चाहिए कम से कम, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि जब कोई इनमें से ये वाला नल खोलता है तब नल से पानी निकलते हुए भी इंसान को पानी नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि इस नल से निकलने वाले पानी का डायरेक्शन ना तो सिंक में है ना ही हमारी तरफ है, बल्कि वो तो कांच की तरफ है। बालकोनी में रेलिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई इंसान उससे गिरे ना, लेकिन भाई साहब जब बालकनी ही नहीं तो फिर रेलिंग का इन दरवाजों पर क्या काम? क्या इंसान हवा में खड़े होकर बाहर का नजारा लेगा? गजब खराब इंजीनियरिंग है यार, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों, अपने फर्नीचर डिजाइन का काम दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, जिसमें काफी ज्यादा नाप तोल कर पार्ट्स को लगाना पड़ता है, और हमारे भारत में कुछ कारपेंटर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनके द्वारा सबसे अच्छा बनाया गया अब तक का सबसे अच्छा गेट आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें लगे हुए गेट के हिस्से को तो कारीगर ने बिल्कुल ठीक जगह लगाया, लेकिन वही दूसरे हिस्से को थोड़ा सा नीचे लगा दिया जिस कारण से गेट बंद ही नहीं हो पा रहा। अगर इस सिचुएशन में आप होते तो आप उस कारपेंटर को कहां ढूंढते? ये किस नमूने कारीगर का काम है भाई, इस तरह से बीच पटरी पर निर्माण कौन करता है भाई? अब क्या ट्रेन इस जगह से उड़कर निकलेगी?
यहाँ तो नुकसान 100% है, क्योंकि ट्रेन निश्चित इस पट्टी से टकराएगी और जब टक्कर होगी तब बगल में लगा टावर तो गिरेगा ही, साथ ही साथ ट्रेन की बॉडी भी टूटेगी। कैसे कैसे लोग होते हैं यार इस दुनिया में जिनके पास कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं होती। चलो अब जो मूर्खों की बात कर ही रहे हैं तो ये वीडियो में कैसे छूट सकते हैं, दरअसल आप खुद ही देख लीजिए कैसे एक महान व्यक्ति अपनी व्हीलचेयर को एक पोल से एक लॉक के जरिए बांध कर जाता है, लेकिन उसके बाद स्वयं ही अपनी आंखों से देखिए कि एक आदमी उस व्हीलचेयर के व्हील को निकालकर उसे अनलॉक कर देता है और लॉक वहीं लटकता रह जाता है। अब आप उस लॉक खोलने वाले आदमी को इंटेलिजेंट कहेंगे या लॉक करने वाले व्यक्ति को मूर्ख, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वाह दीदी वाह। दोस्तों आजकल ज्यादातर गेट्स में मैग्नेट्स लगी हुई होती है और लोगों के मैग्नेट के साथ संबंध कुछ ज्यादा ही पुराने हैं, क्योंकि लोगों को जहां भी मैग्नेट मिलती है वो वहीं उसके साथ खेलने में लग जाते हैं। आप जरा इस वीडियो को ही देख लीजिए जिसमें एक औरत गेट्स को जब खोलती है तो वो पाती है कि गेट मैग्नेटिक है और वो उसे ही बार बार खोलने और बंद करने लगती है, यानी कि उसके साथ ही खेलने लगती है। ये बात तो सभी जानते हैं कि फर्नीचर को डिजाइन करने वाले लोग समझदार होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा समझदार होते हैं मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अब आप भी जरा इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक कारपेंटर ने इस बेड को डिजाइन किया है कि ये कमरे से तो छोटा है लेकिन इसके कारण गेट जरूर फंस गया, इसके बाद वो खुला ही रह गया। ये सच में पेड़ पकड़कर हंसने वाला वीडियो है, दाद देनी पड़ेगी उस कारपेंटर की। अब ये कारीगर है या मौत का सौदागर, ये पक्का भरवाएगा। जरा देखो तो जनाब ने इलेक्ट्रिसिटी केबल्स को खुले में डाल दिया है, वो भी जमीन पर। अब अगर ऐसे में इस केबल में कट लग जाता है तब दरवाजे से निकलने वाला इंसान तो इलेक्ट्रिक करंट से बुरी तरह झुलस जाएगा। हे भगवान, कैसे कैसे मूर्ख होते हैं इस दुनिया में। मतलब जब पाइप में डालकर केबल लगा ही रहा था तो कम से कम पूरे में पाइप लगाता ना। कोई आदमी कितना ज्यादा आलसी हो सकता है, वेल आपके जितना तो नहीं, लेकिन अब आप इन दोनों को देखिए कैसे ये घर में फ्लोर पर टाइल्स लगाने का काम भी लेट कर रहे हैं। दोनों एक ही जगह पर सीमेंट लगा रहे हैं, उसके बाद दोनों एक ही टाइल को उठाकर एक ही जगह पर लगाते हैं, और तो और उसके बाद दोनों टाइल्स को ठीक तरह से फिट करने के लिए भी दोनों टाइल्स को ठोकते हैं। इसके बाद दोनों काफी ज्यादा थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने तोप जो मारी है, और फिर दोनों आराम कर सिगरेट पीने लगते हैं। ये पक्का नकली डिग्री वाले इंजीनियर हैं। हमारे भारत में नमूनों की कमी नहीं है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे जब एक आदमी जेसीबी के ट्रक के आखिरी में वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग कर रहा होता है, तभी एक आदमी या कहें उसका दोस्त पीछे से आकर उस हिस्से में एक जोरदार हथौड़ा मारता है, जिससे अंदर बैठा आदमी बुरी तरह डर जाता है और पागलों की तरह बाहर भागता है, और जब वो देखता है कि उसके साथी का ही कारनामा है तो उसे ड्रम लेकर मारने भी लगता है, जो वाकई सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक मजेदार वीडियो है। दोस्तों आपने कई तरह के कारीगरों को देखा होगा, लेकिन इस जैसे कारीगर कभी नहीं देखे होंगे, और देखोगे भी कैसे, इससे पहले तक आपने हमारी वीडियो भी तो नहीं देखी थी। तो आप ये जो दीवार देख रहे हैं जिसे एक बच्चा हिला रहा है, उसे किसी और नहीं बल्कि उसी आदमी ने बनाया है जो वीडियो में इसे बनाता नजर आ रहा है, पर इस दीवार की नींव होने के कारण ये पत्ते की तरह हिल रही है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मजेदार वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।